हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम तीन नंबर के कान्हा जी के लिए ड्रेस बनाएंगे। ये मेरे तीन नंबर के कान्हा जी की चोली है, इसका वीडियो अपलोड हो गया है, आप मेरे चैनल पर जाके देख सकती हैं। अब हम इसमें घेरा बनाना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम तीन चैन बनाएंगे। ये हमारी तीन चैन हो गई। इसी में एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे। दो आई वाली चैन के अंदर हम दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। फिर से आगे वाली में एक डबल क्रोशिया, फिर से दो डबल क्रोशिया। इसी चैन में एक और डबल क्रोशिया। और हम सभी चैनों में दो दो बार डबल क्रोशिया बनाते हुए अपना राउंड कंप्लीट करके मैं दिखाती हूँ। इस तरह से ये मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी। थ्री चैन बनाएंगे। थ्री चैन हो गई। फिर से हम इसी चैन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया और बनाएंगे। दो हो गए एक चैन के अंदर। आगे वाली में एक बनाएंगे। आगे वाली चैन के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक ही चैन के अंदर। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। आगे वाली में एक। आगे वाली चैन के अंदर हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। इसी के अंदर एक बार और बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ पे थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूंगी। इस तरह से यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे। तीन चैन ये मेरी थ्री चैन हो गई। आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारे दो डबल क्रोशिया। अब हम एक चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। आगे वाली में एक डबल क्रोशिया। आगे वाली चैन के अंदर हम दो बार बनाएंगे। फिर से हम एक डबल क्रोशिया। आगे वाली में डबल क्रोशिया। अब हम इसी चैन के अंदर दो बार डबल क्रोशिया बनाएंगे एक। इसी में हम दो बनाएंगे। अब हम दो चैन दो डबल क्रोशिया के बाद एक ही चैन में दो बार बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, एक ही चैन के अंदर दो डबल क्रोशिया। इसी तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से यह मेरा राउंड कंप्लीट हो गया। इसमें मैंने तीन राउंड बनाए। अब हम यहाँ पर स्लिप स्टिच से थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे इस तरह से। और यहीं से मैं दूसरा कलर लगा लूँगी इस तरह से। सीमे में एक बार और निकालूँगी, सिंगल क्रोशिया से जोड़ दूँगी। वहाँ पर दो चैन, फिर से आगे वाली में डबल क्रोशिया। आगे वाली चैन के अंदर एक बार डबल क्रोशिया। ये हमारे तीन डबल क्रोशिया हो गए इस तरह से। अब यहाँ पर दो चैन, एक दो चैन। इसे भी अपने साथ लेंगे, एक चैन छोड़ेंगे आगे वाली में। एक चैन छोड़ के आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो। तीन से दो चैन, एक चैन छोड़ेंगे आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे एक दो। और ये तीन डबल क्रोशिया, दो चैन बनाएंगे। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। ये मैंने स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। और ये हमारे पास चैन जोड़ा से चाहिए, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह उन्नीस बीस। आप अठारह बाईस चौबीस छब्बीस मतलब जोड़ा से चाहिए हमें। एक में हम बनाएंगे और एक में हम इसे जोड़ेंगे। इसी तरह से आप भी एडजस्ट कर लें। स्लिप स्टिच बनाएंगे आई वाले में,
स्लिप स्टिच अब यहाँ पे स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे। अब मैं यहीं से दूसरा कलर लगाऊंगी। इस तरह से सिंगल क्रोशिया बनाए, दो चैन। अब इसी के अंदर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे। ये हमारे दो डबल क्रोशिया हो गए, तीन डबल क्रोशिया, एक दो तीन चैन। अब आगे जहाँ पे चैन बनाई थी दो, इसके अंदर हम तीन बार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, एक दो तीन चैन। फिर से आगे वाली चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया। यहाँ पर मैंने चार चैन बना ली। अब यहाँ पर थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दूँगी और अब हम यहाँ तक स्लिप स्टिच बनाते हुए आएंगे इस तरह से। अब यहाँ पर चैन की तरफ आ गए। अब यहाँ से हम दूसरा कलर लगाएंगे इस तरह से। एक सिंगल क्रोशिया और बनाएंगे, दो चैन। फिर से इसी के अंदर हम चैन डबल क्रोशिया बनाएंगे। हमारी दो डबल क्रोशिया हो गई, तीन, चार डबल क्रोशिया, दो चैन। फिर से हम इसी चैन के अंदर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, चार डबल क्रोशिया तरह से बनेगा, एक दो चैन। अब आगे वाली चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से, एक दो चैन। फिर से आगे वाली चैन के अंदर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, चार डबल क्रोशिया, दो चैन। फिर से इसी चैन के अंदर हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन, ये चार डबल क्रोशिया, दो चैन। आगे वाली चैन के अंदर हम डबल क्रोशिया से जोड़ देंगे इस तरह से। इस तरह से मैं अपना राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मेरा ये राउंड कंप्लीट हो गया और यहाँ पे मैंने तीन दो चैन बनाकर थ्री की चैन में स्लिप स्टिच से जोड़ दिया है। अब हम आगे वाली में स्लिप स्टिच बनाएंगे, सॉरी स्लिप स्टिच से जोड़ दिया। अब हम यहाँ पर तीन चैन बनाएंगे, एक दो तीन चैन, तीन चैन की एक डबल क्रोशिया और एक चैन और बनाएंगे। अब हम आगे वाली में डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, आगे वाली में डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन। अब यहाँ पर मैंने दो चैन बनाई थी, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, सभी डबल क्रोशिया के ऊपर हम डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाते हुए बीच में एक चैन बनाएंगे और डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे। इस तरह से आ गए हम और यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी। अब हम इसमें सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। अब फिर से आगे वाली डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन बनाएंगे बीच में डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन, डबल क्रोशिया, एक चैन। अब हम यहाँ पर दो चैन बनाई थी, इसके अंदर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक चैन, डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से।
एक चैन, डबल क्रोशिया। अब हम यहाँ पर डबल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। इस तरह से हमारा राउंड बन के आएगा। मैं ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई और यहाँ पर तीन चैन बनाई थी, चार चैन बनाई थी। तीसरी वाली चैन में हम स्लिप स्टिच से इस तरह से जोड़ देंगे। यहीं से अब हम दूसरा कलर लगाएंगे। इसी में हम एक बार और ये हमारी सिंगल क्रोशिया हो गई। अब आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चैन, फिर से दो फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पे सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चैन बनाएंगे, फिर से दो फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन और यहाँ पर दो फंदे उठाएंगे इस तरह से। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। अब इसके ऊपर हम पांच चैन बनाएंगे, तीन चार पांच चैन, फिर से हम दो फंदे उठाएंगे इस तरह से, सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। अब हम आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, एक दो तीन चैन, से दो फंदे उठाएंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन फंदे सॉरी तीन चैन बनाएंगे, तीन चैन बनाएंगे, दो चैन हो गई हमारी, तीन दो फंदे उठाएंगे इस तरह से सिंगल क्रोशिया के ऊपर से, यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन, दो फंदे उठाएंगे सिंगल क्रोशिया के ऊपर से इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तीन हमारी इधर हो गई और ये चौथी सिंगल क्रोशिया के ऊपर मैंने पांच चैन बनाई है और यहाँ पर तीन। अब आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। यहाँ पे हम तीन फंदे हो गए हमारे क्रोशिया के ऊपर इस तरह से। अब यहाँ पे जो पहली डबल क्रोशिया बनाई थी, ये वाली डबल क्रोशिया है, इसमें हम पहली वाली डबल क्रोशिया के ऊपर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से, दो फिर से हम दो फंदे निकालेंगे। दो फंदे निकालेंगे और ये हमारे दो बचे, अब इसको एक करेंगे। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी, इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे, फिर से हम तीन फंदे लेंगे इस तरह से और यहाँ पर ये वाली पहली डबल क्रोशिया है, इधर ये तीन डबल क्रोशिया है, इस वाली में हम इस तरह से फिर से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो का एक दो का एक दो का एक। अब इस वाली में हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से तीन चैन, सिंगल क्रोशिया, आगे वाली में सिंगल क्रोशिया, तीन चैन, फिर से दो फंदे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे, सिंगल क्रोशिया, फिर से तीन चैन, दो फंदे उठाएंगे इस तरह से। आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, पांच चैन, तीन चार पांच चैन, पांच चैन हो गई और दो फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। मैं यहाँ तक बनाकर आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं यहाँ लास्ट में आ गई, सिंगल क्रोशिया से जोड़ दिया है। अब फिर से हम यहाँ पर ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये डबल क्रोशिया है, ये पहली वाली डबल क्रोशिया उठाएंगे और इस तरह से हम यहाँ पर दो का एक करेंगे, फिर से दो का एक और ये हमारे
दो का एक, और यहाँ पर जो सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पर मेरे तीन फंदे हो गए। अब यहाँ पर जो डबल क्रोशिया तीन बनाई थी इस वाली में, ये लास्ट वाली में हम फिर से इस तरह से ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे, दो का एक, दो का एक, दो का एक। और यहाँ पर पहली डबल क्रोशिया के ऊपर हम सिंगल क्रोशिया से इसे जोड़ देंगे। अब आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और इस तरह से बनाएंगे। मैं इस तरह से ये राउंड कंप्लीट करके आपको दिखाती हूँ। इस तरह से मैं लास्ट में आ गई और ये एक दो तीन। अब यहाँ आगे वाली में सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, तीन चैन हो गई, चार पांच चैन। फिर से हम सिंगल क्रोशिया के ऊपर से दो फंदे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया बनाएंगे और तीन चैन, एक दो तीन चैन। फिर से हम दो फंदे उठाएंगे इस तरह से और यहाँ पर सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। और आगे वाले में सिंगल क्रोशिया, दो तीन चैन, फिर से दो फंदे उठाएंगे, सिंगल क्रोशिया तीन चैन, तरह से ये हमारे तीन हो गए। आगे वाली में हम सिंगल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से हम यहाँ पर दो बार लेंगे, तीन फंदे हो गए। अब हम यहाँ पर ये वाली डबल क्रोशिया तीन बनाई थी, ये पहली वाली में ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये लूज बनाएंगे, दो दो निकाले, फिर से दो। अब यहाँ पर सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें हम सिंगल क्रोशिया से जोड़ देंगे। फिर से हम दो बार फंदे लेंगे, तीन फंदे हो गए। और यहाँ पर ये तीन डबल क्रोशिया बनाई थी ये वाली, इसके लास्ट वाली में हम ट्रिपल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। ये हम लूज बनाएंगे, दो फिर से दो फंदे निकालेंगे और ये दो का एक करेंगे। अब यहाँ पर ये सिंगल क्रोशिया बनाई थी इसमें हम स्लिप स्टिच से जोड़ देंगे और यहाँ पर एक चैन बना के इसे काट लेंगे। इस तरह से हमारी ये डिजाइन बन के तैयार हो गई। तरह से पीछे हम इसे दबा लेंगे। ये हमारे तीन नंबर के काना जी की ड्रेस है, इसे आप किसी भी साइज में बना सकती हैं। ये घेरा बड़ा बना लें और ये डिजाइन इस तरह से बना लें। मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लेना।